हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज 900 न्यूटन पर कूलम। ओके, कह रहे एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये इसकी रेडियस बच्चों कितनी दिया है यहाँ पे r, और r की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, ये दिया है 0.1 मीटर, ठीक है। कह रहे इसको कितना चार्ज दे दें, क्यों हमसे पूछा गया है कि इसके सरफेस पर, भाई हमको पता है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, उसके सरफेस पर जाता है, ये भाई कंडक्टर है, और कंडक्टर के सरफेस पर उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए, ये हो जाए 900 न्यूटन पर कूलम। सीधी सी बात है कि इसके सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी करनी है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा लेते हैं। भाई सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर होता है 1/4π0 क्यू अपान रेडियस का स्क्वायर, जो भी रेडियस, कभी कभी आप कैपिटल R से मानते हो तो कैपिटल R का स्क्वायर कर लेंगे, हमने स्मॉल R माना तो अपान में स्मॉल R स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E की वैल्यू पहले रखो, E की वैल्यू क्या आएगी 900 इज इक्वल टू 1/4π0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9×10^9, ये तो फिक्स होती है, इंटू क्यू अपान रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.01। अच्छा तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 900 × 0.01/9×10^9, देखिए 9 से कटेगा 100 आएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10^-9। इसका मतलब जो चार्ज है सरफेस पर दिया गया उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 10^-9 कूलाम। इसका मतलब स्फीयर को हमको 10^-9 कूलाम का चार्ज देना पड़ेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।